और जैसे मूसा फिरौन के सामने खड़ा रहता है, हे फैरो लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे, फिरौन कहता है नहीं मैंने नहीं जाने दूंगा। इतनी सारी विपत्तियां परमेश्वर ने उन पर डाली और एक दिन आखिर फिरौन टूट के कहता है निकलो तुम लोग यहां से, अब मुझे तुम्हारा कोई नहीं चाहिए। कोई कहता है 6 लाख लोग थे, कोई कहता है 11 लाख लोग थे, लेकिन इतिहास बताता है 20 से अधिक लाख लोग थे। 20 लाख से भी ज्यादा लोग एक समय निकल रहे हैं और अब वो आगे आगे चल रहे हैं। अब परमेश्वर उन्हें एक रास्ते से निकाल रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, चाबियां ही चाबियां हैं आपके लिए। अब जैसे वो लोग वहां से पास हो रहे थे, एक राजा को पता चला कि ये लोग मेरे नगर से पास होने वाले हैं। हिज नेम वॉज बलाक, उसका नाम बलाक था। और जब उसे पता चलता है कि ये लोग मेरे यहां से पास होने वाले हैं, और उसको पता था लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, लेकिन पता है इसके बावजूद उसने क्या किया, तलवार और बाले तैयार नहीं किए, उसने एक व्यक्ति को कॉल दिया जिसका नाम बलाम था, वो एक नबी था, उन्हें कहता है आप आइए और इन लोगों को मेरे लिए श्राप दीजिए। आपको नहीं लगता समटाइम्स नॉन क्रिस्टियंस नोस द पावर ऑफ वर्ड्स? कभी कभी गैर यहूदी लोग, गैर मसीह लोग जो खुदा को जानते भी नहीं है, वो भी शब्दों की ताकत को पहचानते हैं, पर कभी कभी हम विश्वासी नहीं पहचान पाते। जरा सोचो, एक बंदे ने एक कुछ लोगों से लड़ने के लिए हथियार नहीं उठाए, उससे सिर्फ एक आदमी से कहा तू आ और उनको कर्ज कर, इन्हें श्राप दे, वो जानता था ये उससे कमजोर होंगे। और बिलाम के पास वो लोग जाते हैं, बिलाम को कहते हैं बिलाम चलिए राजा ने आपको बुलाया है, और बिलाम खुदा का नबी, प्रभु मैं जाऊं? नो, नहीं जाना है। क्यों? जो लोग वहां से निकले हैं वे बरकतों के वारिस हो चुके हैं, मैंने उन्हें आशीषें दी हैं, तू उन्हें कर्ज नहीं कर सकता। ओके थैंक यू। हेलो भाई साहब, मुझे आपके साथ नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? खुदा ने मना किया। अब वो लोग जाके अपने किंग को बोलते हैं सर वो नहीं आ रहा है। अब ऐसे लोगों को पता है ऐसे लोगों का माइंड कैसे चेंज किया जाता, बोलता है जाओ अब एक बार फिर से उसको बोलो आप आ जाओ, हम आपको ऑडी दिला देंगे, हम आपको मर्सरीज बैंड दिला देंगे, आ जाओ आपकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं है ना, हम गोल्ड दिला देंगे। इतिहास गवाह है खुदा के लोग 3 जगहों पे गिरे हैं, स्त्री, पैसा, घमंड। शिमशोन लड़कियों में गिरा, बिलाम पैसों में गिरा, शाउल घमंड में गिरा। आप पढ़ के देखिए, इतिहास गवाह है लोग 3 जगहों पे गिरे हैं, वुमेनिज्म, मनी एंड द प्राइड। बिलाम पैसों में गिर गया, शाउल घमंड में गिर गया, और आप पढ़ के देखिए समसन वुमेनिज्म में गिर गया। परमेश्वर उसे कहता है मत जा, उसके बाद भी देखिए वो क्या करता है, दोबारा खुदा के पास जाता है, खुदा ये लोग फिर से मुझे बुला रहे हैं, वापस क्यों पूछ रहा है तू यार, तेरे को उससे मना किया था ना, ठीक है इट्स ओके एक बार पूछ लेना चाहिए, मैं जाऊं? आपको पता है इस बार उत्तर क्या आया, जा गो। क्यों? सुनिए, आपका परमेश्वर इतना खूबसूरत परमेश्वर है कि वो आपको सब बताएगा लेकिन कभी आपको कंट्रोल नहीं करेगा। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद भी अपनी विल की एक्सरसाइज खुद कर सकता है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और खुदा आपको कह रहा है, कोई आया सामने, किसी ने आपको बुरा भला कह दिया, आपको गुस्सा लगा कि मैं भी नहीं छोड़ूंगा, और अगर आपने ठान लिया मैं भी नहीं छोड़ूंगा, आप आगे बढ़िए, पवित्र आत्मा पीछे हो जाएगा। गो, ये तेरा विल है, लड़ना है लड़। लेकिन अगर आप यहीं पर कह दो पवित्र आत्मा भले ही इसने मुझे हर्ट किया है पर मुझे नहीं करना है, पवित्र आत्मा आपको सपोर्ट करेगा,
ही ऑलवेज वर्क विथ योर विल, वो कभी आपकी विल को कंट्रोल नहीं करेगा। बाइबल में आप कभी नहीं पढ़ोगे कि दुष्ट आत्मा ने भर दिया और शैतान ने, सॉरी, आप कभी बाइबल में यह नहीं पढ़ोगे कि शैतान ने भर दिया और पवित्र आत्मा ने बांध दिया, उल्टा पढ़ोगे कि पवित्र आत्मा ने भर दिया और शैतान ने बांध दिया। क्यों? क्योंकि जब पवित्र आत्मा भरता है तो आपकी इच्छा आपके हाथ में ही होती है, लेकिन जब शैतान तंग करता है वो आपकी विल को कंट्रोल करता है। एक दिन यीशु मसीह पूछते हैं, इस लड़के की यह हालत कब से है? कहते हैं, प्रभु बचपन से है, कभी दुष्ट आत्मा इसे पानी में फेंकता है तो कभी इसे आग में। यह कैसे हो सकता है? क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपकी विल को कंट्रोल करती हैं। खुदा कभी नहीं करेगा। जब उसने आदम को बनाया तो कहा फल मत खा, यह तो बहुत आसान है प्रभु, अगर रोकना है। प्रभु को क्या करना था? पेड़ के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा कर देता और कहता हाथ में तलवार लेके रख, और जब भी आदम फल खाने के लिए आए। That's so simple। पर खुदा ने किसी को नहीं खड़ा किया था यह देखने के लिए कि यह क्या चुनाव करेगा। आप परमेश्वर से प्रेम मात्र गीतों से नहीं, अपने चुनावों से करते हैं। सम पीपल थिंक कि मैं गीत गा रहा हूं और मैं प्रभु से प्यार करता हूं। सर, दुनिया में लोग हमसे अच्छा गाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं, मैं पिछली बात क्लियर कर रहा हूं, जब वो ज्योतिषी राजा हेरोदेस के पास पहुंचते हैं, उसे पूछते हैं राजा कहां है जिसका जन्म हुआ है, बोलता है तुमने उसे कब देखा? इस समय देखा। वहीं पर फतवा जारी हो जाता है, 2 साल के बच्चों को मारो। क्यों 2 साल के बच्चों को? क्यों? आप जानते हो वो लोग एक छोटे बच्चे से मिलने के लिए 2 साल से ट्रेवल कर रहे थे, और जब यीशु मिलता है उसके सामने सोना रखते हैं। क्यों सोना? क्यों? तू राजा है, ये तेरी रॉयल्टी है, गोल्ड इज योर रॉयल्टी। उसके बाद वो लोग उसके सामने लोबान रख देते हैं, लोबान में से धुआं निकलता है। तू ही वो व्यक्ति है जो हमारी दुआओं को खुदा के सामने ले जाएगा। उसके बाद लिखा है मर, जब वो कोई जख्म होता है ना तो वो पिया जाता है, और वो उसके सामने मर रख रहे हैं कि एक दिन तू मरेगा और ये तुझे मिलेगा। दो साल तक ट्रेवल करते हैं और कहते हैं यहूदियों का राजा कहां है, हमें उसकी आराधना करनी है। कुछ मांगते नहीं है, उसे देते हैं। इसे कहते हैं आराधना। आराधना मांगना नहीं है, आराधना देना है। अब्राहम बेटे को लेके गया, उसने ये नहीं कहा ये लड़का और मैं जाएंगे और मैं इसको काट के आऊंगा। उसने कहा नहीं, ये लड़का और मैं ऊपर जाके आराधना करेंगे। लर्न टू वर्शिप। इसी नागपुर में मैं बहुत साल पहले आया था, एक बहुत अच्छी बैंड वहां आई थी, इतनी फेमस बैंड है कि मैं अगर आपका अगर मैं नाम लूं तो आप में से हर कोई कहेगा अरे हम तो जानते हैं इनको यूट्यूब पे। और मीटिंग के बाद मैं अपने कमरे में बैठा था और वो मुझसे मिलने आए और स्टाइल से पूछा हे पास्टर सूरज, हमें बताइए आपको मेरा वर्शिप कैसा लगा। मैंने कहा कौन बोला तुम वर्शिपर है? मैंने कहा ब्रदर यू पीपल आर गुड सिंगर्स, वर्शिप तुमको दूर दूर तक नहीं पता है। उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की और मैं खुश हूं इससे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर चुप रहोगे ना खुदा एक दिन तुम्हारा भी न्याय करेगा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो चुप करके बर्दाश्त करने पड़ते हैं, पर कुछ जगहें ऐसी होती हैं अगर चुप रहोगे तो खुदा तुम्हारा न्याय करेगा। कितने लोगों ने देखा कि जीसस ने देखा मंदिर में लोग व्यापार कर रहे थे और यीशु मसीह वहां पर रुक गए, हेलो गाइस मैं तुमको 2-3 दिन देता हूं अपना स्टॉल उठाओ। जहां खुदा कहे बोलने के लिए वहां बोला करो। एली के दोनों पुत्र लुच्चे थे, बाइबल बताती है। परमेश्वर एली को बोलता है इनको बोल ये गलत कर रहे हैं। एली दोनों को बुला के कहता है मेरे बच्चों जो मैं समाचार सुनता हूं वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है,
परमेश्वर उसके समझाने के तरीके से इतना भड़क गया, खुदा ने कहा तूने अपने बच्चों को ऐसा किया है ना, अब याद रखना तेरे घर पे कोई व्यक्ति बूढ़ा होके नहीं मरेगा। आपको पता है खुदा ने क्या कहा, सब जवान मरेंगे तेरे घर पे। आप जानते हो ये जो सर है ना, ये लीडरशिप है, ये नीचे का हिस्सा देह है। आपको पता है एली की मौत कैसे हुई, गर्दन टूटी, परमेश्वर ने उसे इस तरह मरने दिया ये दिखाने के लिए कि देखो ये लीडरशिप खत्म हो रही है। उसके बाद नया प्रॉफिट सैमुएल आया। हालेलुया, जहां खुदा कहे ना बोलने के लिए बोला करिए। डोंट बी अफ्रेड, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं इस भीड़ में आने वाले दिनों में परमेश्वर पास्टर्स खड़े करेगा। मैं जानता हूं हमारे नागपुर से भविष्यवक्ता निकलेंगे, शिक्षक निकलेंगे, पास्टर्स निकलेंगे, एवेंजलिस्ट निकलेंगे, हमारी बहनें यहां से निकलेंगी खुदा का काम करने के लिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, न सेवकाई पैसों के लिए करना, न कभी नेम के लिए करना, न कभी फेम के लिए करना, घुटनों पर आना, जो खुदा कहे वो बोलना। कभी मत डरना कि कितने लोग आपके प्रचार से ऑफेंड होंगे, हु केयर्स, क्या होगा, वो आपको दोबारा नहीं बुलाएंगे ना, कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा यही सोच के आता हूं कि इसके बाद तो ये लोग मुझे बुलाने वाले हैं नहीं, आज ही सारा सच बोल के निकल लूंगा। लेकिन नागपुर के लोग अच्छे हैं, मुझे बुलाते रहते। आइए अपने पास वाले को स्माइल देके कहिए, हमें किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यस, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। I feel the Holy Spirit is happy. That's revival. Hallelujah. बोलो यीशु मसीह नासरी की, हमारा प्रभु महान है। Come on, give a good clap for the Lord. आप जानते हैं जब बिलाम एक बार भी कर्स नहीं कर पाया, एक बार भी नहीं, अब सब समाप्त हो गया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, आपकी आंखें, आपका दिमाग खुल जाएगा यह बात सुन के। बिलाम जाने से पहले बलाक को कहता है, सुन मैंने श्राप नहीं दे पाया हूं, लेकिन मैं तुझे कुछ ऐसा बताता हूं, यह उनसे करवा, खुदा खुद इन्हें श्राप देगा। करूं, तेरी मंडली में से खूबसूरत लड़कियों को निकाल और एक दावत दे दे और इन सबको बुला, ये खुद उनके साथ व्यभिचार में गिरेंगे और खुदा से श्राप कमाएंगे। उर्दू में लिखा है, वे लानत कमाएंगे। और ऐसा ही हुआ। अब पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तुम उस बिलाम की शिक्षा को मानते हो और वह जिसने इसराइलियों को व्यभिचार करवाया। आप जानते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखिए, खुदा ने इसराइल के लोगों को बरकत दी थी, लेकिन खुद उन्होंने बरकत ठुकराई और खुदा से कर्ज कमाया। मैं देखता हूं आज भी सेम इतिहास है, परमेश्वर ने अपने लोगों को बड़ी बरकतें दी हैं, पर अपनी जुबान के कारण वो अपनी बरकतें खो रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आप अपने मुंह से हर चीज सोच समझ के कहते हैं। आपको प्रोफेसी के लिए सिर्फ प्रॉफिट का वेट करने का नीड नहीं है। थैंक गॉड फॉर प्रॉफिट्स, हम भविष्यवक्ताओं का आदर करते हैं, उन नबियों का जो खुदा बेचता है, वो नबी नहीं जो खुद नबी बन के बैठे। हम उन नबियों का आदर करते हैं जिनको परमेश्वर ने नबी बनाया, जो स्कूटर और कार नंबर रिवील नहीं करते, जो लोगों के दिलों को रिवील करते हैं।
हम आदर करते हैं उन नबियों का जो नबियों को परमेश्वर भेजता है। इज़राइल के लोग पता है कैसे जानते थे खुदा हमारे साथ है कि नहीं? पढ़ के देखिए भजन सहायता, हे यहोवा तूने हमें क्यों छोड़ दिया। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था मैंने कहा प्रभु इनको कैसे पता चला कि आपने इनको छोड़ दिया? उसके नीचे लिखा है क्योंकि अब हमारे बीच में भविष्यवक्ता नहीं रहे। जब इज़राइल देखता था कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को नहीं भेज रहा है वो जान जाते थे खुदा ने उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर ने आपको बरकत दी है ब्रदर, आप क्यों श्राप कमा रहे हो? यह बाइबल जो मेरे हाथ में है, मेरी बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुद खुदा था। इन द बिगिनिंग वॉज अ वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूं मुझे परमेश्वर ने बाइबल सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए नहीं दी है, परमेश्वर ने मुझे बाइबल इसलिए दी है ताकि मैं बाइबल को अपनी भाषा बनाऊं। ये सिर्फ बाइबल नहीं है, ये आपकी लैंग्वेज है। इससे पहले कि ये लिखी गई उससे पहले ये बोली गई, इसीलिए बोली गई ताकि लिखी जाए ताकि दोबारा बोली जाए। कितने लोग हैं यहां पर जब शैतान आपको कहता है तेरे पास पैसों की तंगी है, अपना घर तो ले नहीं पाया है, कुछ कर नहीं पाया है, कितने लोग हैं शैतान को इस लैंग्वेज का आंसर करते हैं, शैतान मुझसे दूर हो क्योंकि लिखा है प्रभु मेरा चरवाहा है मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरी बहनों जब आपको बच्चा नहीं होता तो आप निराश हो जाते हैं और शैतान आपको कहता है कि तू एक बांझ स्त्री है, यू आर अ बैरन वुमन, आपको खड़े होकर उसको बोलना चाहिए। शैतान तुझे पता है जो रिबेका का खुदा है, जो सारा का खुदा है, जो इलिशिबा का खुदा है, जो हन्ना का खुदा है, वही मेरा खुदा है। कितने भाई लोग हैं जिनको व्यभिचार के गंदे गंदे ख्याल आते हैं, आप उसे एंटरटेन करते हैं? आपको खड़े होकर बोलना चाहिए शैतान मैं अपनी वासनाओं सहित मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है और मैं व्यभिचार के लिए मर चुका हूं। ये बाइबल परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं दी है कि आप इसे कपड़े में ओढ़ के रखें और सिर्फ आप इसको सिर्फ मन में मेमोराइज करें। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल कहती है यदि तू मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो तू छुटकारा पाएगा। कितने लोगों को मैंने देखा है इसको लैंग्वेज नहीं बनाई है, फीलिंग्स को लैंग्वेज बना के रखिए। जो फील करेंगे सर में दर्द पड़ रहा है, भाई तू कैसा है? बहुत सर में दर्द है, लगता है माइग्रेन हो चुका है, लगता है कल मरने वाला हूं। अरे कौन बात कर रहा है ये? ये बिलीवर्स की लैंग्वेज है? विश्वासी ऐसे बात करते? आपको तो मैं दो दिन में घुमा पाऊं अपने पास, पता है क्यों? क्योंकि आप में फेथ ही नहीं है। एक बंदा चार पास्टर से प्रार्थना करवा रहा है यहां पर, पास्टर जी प्रार्थना कर लो, क्या हुआ? जॉब नहीं है। पास्टर जी आप भी प्रार्थना कर लो, क्यों? जॉब नहीं है, अभी तो करवाई, आप भी कर लो ना, ये फेथ नहीं है। फेथ शुक्रगुजारी करता है। यीशु ने 5,000 लोग के सामने रोटी ली, एक बंदे ने भी नहीं खाई थी, पहले ही कहता है धन्यवाद, वो जानता था ये हो चुका है। किस भाषा का प्रयोग करते हैं आप? आपके अंदर फेथ है कि फीलिंग्स है? खुदा ने आपको बरकत दी है, खुदा ने आपको आशीषें दी हैं, आपको किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद अपने लिए प्रोफेसी कर सकते हो। कुरिन्थियों की कलीसिया में एक भविष्यवक्ता नहीं है लेकिन पॉल कहता है तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो। कहिए मेरे पीछे, मैं आशीषित हूं, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है, पाप की मुझ पर कोई प्रभुता नहीं है, मैं आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा, मैं आने वाले दिनों में खुदा के साथ चलूंगा, मेरे पास इतना होगा मैं दूसरों की सहायता करूंगा यीशु के नाम में। आपको पता है आप प्रोफेसी कर रहे हो।
Why you are waiting for prophet? You have a prophecy. मैं रोज सुबह उठ के अपने लिए भविष्यवाणियां करता हूं, प्रभु आज मैं जहां हूं मैं वहां नहीं रहूंगा, मैं एक कदम तेरे और करीब आऊंगा और मैं जाता हूं. यूज योर टंग टू ब्लेस अदर्स, नॉट कर्स अदर्स. आपको पता नहीं है परमेश्वर ने आपको क्या दिया है.